आज हम बनाने वाले हैं ये यम्मी क्रीमी पिज्ज़ा सैंडविच, जो लेयर्ड है, नॉर्मल पिज्ज़ा सैंडविच से डिफरेंट है। और ऐसा सैंडविच आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा, ये बहुत ही टेस्टी है। तो ज़रूर मेरी वीडियो आगे देखिए ताकि आपको आप भी बना पाएं ये टेस्टी सैंडविच। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, थैंक यू। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने पिज़्ज़ा सैंडविच के लिए वेजिटेबल्स आप ले लेंगे जैसे आपको चाहिए, जितनी आपको चाहिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जितने आप सैंडविच बना रहे हैं। मैं 3 सैंडविच बनाऊंगी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इतना मेजरमेंट लिया है। मैंने कैप्सिकम ली है, टमाटो लिया है, क्यूकम्बर और अनियन, और काट लिया है इसको छोटा छोटा, पतला पतला। ज़्यादा थिक नहीं काटेंगे आप क्योंकि लेयर में बनाना है हमें। और उसके बाद अपनी सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए मेयोनीज। मेयोनीज मैंने ली है 4 to 5 टेबल स्पून, और 3 से 4 टेबल स्पून ही मैंने क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम घर की बनी हुई। 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इसको मिक्स करेंगे और कैसे सैंडविच की लेयर बनानी है वो मैं आपको दिखाती हूँ फिर। पहले हम एक स्लाइस पे अपनी क्रीम स्प्रेड कर लेंगे, जो मिक्सचर हमने बनाया था अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। उस पे डालेंगे हम अपनी वेजीज। पहले हम टमाटो और अनियन की एक लेयरिंग करेंगे, और आपको जितनी क्वांटिटी पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बट जितनी मैं डाल रही हूँ इतनी इनफ होती है वैसे। उसके बाद हम एक और स्लाइस लेंगे, उस पर अपनी क्रीम स्प्रेड करेंगे और इसको कवर कर देंगे पहले वाली ब्रेड के ऊपर। और अब इसके ऊपर वाली साइड पे भी हम क्रीम लगा लेंगे अच्छे से। इस पे रखेंगे हम क्यूकम्बर की स्लाइसेस, और उसके ऊपर हम ऐड करेंगे अपनी स्लाइस्ड कैप्सिकम्स। कुक नहीं करना है हमें वेजिटेबल्स को, हमें रॉ ही यूज़ करनी है सैंडविच में। और फिर एक और स्लाइस लेंगे, उस पे क्रीम स्प्रेड करेंगे और अपने सैंडविच को हम अच्छे से कवर कर देंगे। अब हम इसको करते हैं कुक, क्रिस्पी करना है हमें अपने सैंडविच को, तो चलते हैं किचन में। एक नॉन स्टिक पैन ले लेंगे आप, उस पे हल्का सा घी लगाएंगे, बिल्कुल हल्का, क्रिस्पी करने के लिए और फ्लेवर रिटेन करने के लिए हमारी ब्रेड में, हमारे सैंडविच में। और इसको रख देंगे और इसे कर देंगे कवर। किसी भी चीज से कर सकते हैं आप, आपको कोई बोल लेना है उससे कवर करना है ताकि वो अंदर कुक हो सके। और अब हम इसको क्रिस्प होने का वेट करेंगे। गैस आपकी सिम होनी चाहिए, फ्लेम सिम होना चाहिए आपका, अदरवाइज ब्रेड जो है वो जल जाएगी। तो जब ये क्रिस्प हो जाएगा मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ। अब इसे हम देख चेक कर लेते हैं। तो हमारी ब्रेड हो गई है क्रिस्प। हल्का सा घी हम इस साइड लगाएंगे जो हमारी साइड ऊपर थी, बिल्कुल हल्का सा। आपको पूरा कोट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्का सा लगाएंगे, उसी से पूरी ब्रेड जो है आपकी क्रिस्प हो जाएगी। तो देखिए कैसे क्रिस्प हो गई है, और इसको भी हम कवर कर देंगे। बीच वाली जो आपकी ब्रेड है ये मत सोचे कि वो कुक नहीं होगी, ब्रेड जो होती है वो ऑलरेडी बेक्ड होती है तो वो कुक्ड ही होती है, तो उसका टेस्ट अच्छा ही आएगा। और अब इसको होने के बाद मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो मैंने कर दिया है हमारे सैंडविचेस को प्लेट, और देखिए कितने क्रीमी बने हैं, वेजिटेबल्स हैं अच्छे से, और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, बिल्कुल डिफरेंट है आपके नॉर्मल सैंडविचेस से। तो इन्जॉय कीजिए ये ब्रेकफास्ट, एंड सब्सक्राइब कीजिए मुझे मेरे आगे आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू।